दलाश क्षेत्र में रविवार रात को आए तूफान से सेब की फसल तबाह हो गई। दलाश क्षेत्र की करीब आधा दर्जन पंचायतों के अलावा अन्य क्षेत्र के कई जगह पर रविवार रात को आए तूफान ने सेब बागवानों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी। बागवान सेब के बगीचे में साल भर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन इस साल शुरुआती दौर यानी फ्लावरिंग के समय ही ओलावृष्टि और अब जब सेब सीजन के लिए मात्र महीना भर ही बचा है, उस पर रविवार देर रात आए तूफान ने बागवानों की सारी उम्मीदें ही धराशायी कर दी। दलाश क्षेत्र के रिवाड़ी, रौ, चपोहल, गुहान, सोईधार, सारली, चौकी, शगोगी, रमोही, गलोग, ढैर, टोगी, ग्रहणा आदि गांव में रविवार रात को तूफान कहर बनकर आया। लोगों के सेब के बागीचों में करीब 20 से 40 पेटी सेब नष्ट कर दी। इस साल क्षेत्र में पहले ही सेब की फसल ना के बराबर है। वहीं शुरुआती दौर में ओले ने सेब को नुकसान पहुंचाया। बाकी रही सही कसर रविवार रात को तूफान ने पूरी कर ली। स्थानीय जनता को अब साल की चिंता सताने लगी है कि आखिर बागवान किस प्रकार अपनी साल का गुजारा करेंगे। स्थानीय ग्रामीण पीयूष, राकेश, कुंदन, संजीव, बिन्नी, सनी, सुभाष, देवराज, प्रदीप आदि ने सरकार से प्रभावितों के लिए उचित मुआवजे की गुहार लगाई है। उधर जब इस विषय पर हॉर्टिकल्चर विभाग आनी के एसएमएस के अलकटोस से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि फिर से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी सरकार को भेज दी जाएगी। एप्पल न्यूज के लिए दलाश से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। रात को भारी तूफान आया है जिससे सेब बहुत गिर गया है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार हमें इसका मुआवजा दे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कल यानी रविवार के रात के समय में आनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई जगह पे जो आंधी और तूफान काफी तेजी से आया, जिसकी वजह से हमारी जो मुख्य फसल है सेब की फसल है, सेब तैयार हो रहे हैं तो उस फसल को काफी नुकसान हुआ है बागवानों का, किसानों का। और जो किसान भाई बहन है वो सभी जो है चिंतित हैं, परेशानी में आ गए हैं कि पूरे साल उन्होंने इंतजार किया इस फसल का, पूरी साल उन्होंने मेहनत की अपने खेतों में इस फसल के लिए, लेकिन जब फसल तैयार होने की स्थिति में थी तो उस वक्त जो है कुदरत का कहर आंधी तूफान की वजह से जो है फसल को काफी नुकसान हुआ है। आनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काफी सारी जो दर्जनों पंचायतें थी उन पंचायतों में बागवानों किसानों को काफी नुकसान हुआ है सेब की फसल का। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो जयराम सरकार है हमारी प्रदेश की, तो इस स्थिति को समझते हुए, बागवानों की स्थिति को समझते हुए आप उनके लिए उचित मुआवजे का प्रावधान किया जाए ताकि जो नुकसान हुआ उसकी कुछ हद तक जो है वो भरपाई की जाए, ऐसा हम सरकार से, प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।